हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद विपुल में आप सबका स्वागत है। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। जेआईबी और डीबीएफ में आपका जो पेपर थर्ड है, लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आपको लगभग हर अटेम्प्ट में एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, और इसका नाम है लोक अदालत। बैंक में काम करते हुए भी लोक अदालत से आप सभी रूबरू होंगे, इसके बारे में जानते होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में लोक अदालत के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिससे एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोक अदालत जो है, इसका अगर आप मतलब देखें सबसे पहले, तो इसका मतलब होता है पीपल्स कोर्ट। लोक मतलब होता है पीपल। पीपल को हिंदी में हम लोग लोक बोलते हैं और कोर्ट को हिंदी में हम लोग अदालत बोलते हैं। तो ये पीपल्स कोर्ट को अगर देखा जाए तो इसका मीनिंग हो जाता है लोक अदालत। बोलचाल के भाषा में हम लोग लोक अदालत बोलते हैं और इसका दूसरा नाम होता है पीपल्स कोर्ट। चलिए इसके बाद देखिए, ये जो है लोक अदालत का जो कॉन्सेप्ट है, ये ADR सिस्टम के तहत है। और ADR का मतलब क्या होता है ये आपको जानना चाहिए, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम्स। तो ये एक फुल फॉर्म याद रखिएगा। और ये जो लोक अदालत का कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नया है, काफ़ी पहले से ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। लेकिन इसको जो लीगल स्टेटस दिया गया, स्टेचुटरी स्टेटस दिया गया, ये किसके तहत दिया गया, उस एक्ट का नाम आपको याद रहना चाहिए, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। ठीक है, इसके पहले भी क्या होता था कि पंचायत गांव मोहल्ले में पहले पंचायत लगता था, वहां पर फैसला सुनाया जाता था, वहां पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता था। लेकिन इस पर्टिकुलर एक्ट के आने के बाद, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के आने के बाद, इस लोक अदालत को भी स्टेचुटरी स्टेटस दे दिया गया। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कोई भी फी पे नहीं किया जाता है किसी भी पार्टी के द्वारा। कोर्ट फी बोलिए, लीगल फी बोलिए, वो पे नहीं किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी अपील लोक अदालत के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए जो भी पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, चुन के दिए गए हैं जिससे कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। और इसका मतलब क्या होता है, पॉइंट नंबर ई को अच्छे से समझिए, नो अपील लाइज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द लोक अदालत। मान लीजिए लोक अदालत ने एक ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई भी अपील आप नहीं कर सकते हैं कहीं भी। हाँ, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप उस पर्टिकुलर मैटर को लेकर फिर से केस नहीं कर सकते हैं, फिर से मुकदमा नहीं कर सकते हैं। आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पर फ्रेश लिटिगेशन कर सकते हैं, फ्रेश मुकदमा कर सकते हैं हायर कोर्ट्स में जा करके, लेकिन उस पर्टिकुलर अपील के अगेंस्ट में आप उस पर्टिकुलर सॉरी ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दिया जाता है और ऑप्शन में इस टाइप का बना दिया जाता है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज करते हैं। हो सकता है इसी में से कोई चार पॉइंट को उठा करके एक ऑप्शन बना दिया जाए और वहाँ पर आपसे पूछा जाए कि इसमें से क्या लोक अदालत के कंटेक्स्ट में गलत है या सही है। पॉइंट नंबर एक देखिए, द लोक अदालत कैन कॉम्प्रोमाइज एंड सेटल इवन क्रिमिनल केसेज विच आर कंपाउंडेबल अंडर द रिलेवेंट लॉज। इसमें क्या बताया गया है, लोक अदालत में अभी तक हम समझते थे कि सिर्फ सिविल केसेज को ही हम लोग कॉम्प्रोमाइज और सेटल करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्रिमिनल केसेज भी लोक अदालत के तहत कॉम्प्रोमाइज और सेटल किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ऐड किया गया है जिसका मतलब क्या है कि सिर्फ वैसे क्रिमिनल केसेज जो कि कंपाउंडेबल नेचर के होंगे। देखिए एक्ट में जो भी आपका CRPC का एक्ट है, उसमें आपको बताया गया है कि कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल के नेचर में आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। अब हम लोगों को समझना होगा कि कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है। तो देखिए टेक्निकल वर्ड है, लीगल वर्ड है, इसको अच्छे से समझिए। क्रिमिनल केसेस दो तरह के होते हैं, पहला कंपाउंडेबल, दूसरा नॉन कंपाउंडेबल। तो कंपाउंडेबल का बेसिक लेमैन बोल सकते हैं, लेमैन के लैंग्वेज में वैसे मुकदमे जिसको हम लोग आपस में बैठ के कॉम्प्रोमाइज कर सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंडेबल। जैसे मान लीजिए मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा घर है, उसमें आप ट्रेस पासिंग करते हैं। ट्रेस पासिंग मतलब बिना मेरे मर्जी के, बिना मेरे परमिशन के आप मेरे प्रॉपर्टी में एंटर करते हैं, तो इस पर आपके अगेंस्ट में एक मुकदमा दायर किया गया मेरे द्वारा। तो इसमें क्या हुआ कि हम चाहें तो उसको वापस भी ले सकते हैं, उस मुकदमे को हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो ये जो ऑफेंस है ये कंपाउंडेबल ऑफेंस हुआ। लेकिन जो भी ग्रेव टाइप का आपका ऑफेंस है, जो बहुत बड़ा क्रिमिनल नेचर में है, जैसे आपने किसी का मर्डर कर दिया, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग कंपाउंड उसको नहीं करवा सकते हैं, नॉन कंपाउंडेबल है वो, और उसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि स्टेट आपके अगेंस्ट में लड़ता है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो आपके अगेंस्ट में लड़ता है, तो वहां पर वो नॉन कंपाउंडेबल नेचर का होता है। उम्मीद है आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। लोक अदालत का जो लिमिट है वो 20 लाख है, ये
पॉइंट याद रखिएगा, बहुत सारे बुक्स में काफी कैंडिडेट्स हैं जो पुराना बुक फॉलो कर रहे हैं, वहां पर ये जो लिमिट है वो 10 लाख बताया गया है, लेकिन अब ये लिमिट बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। 20 लाख इज द न्यू लिमिट, जहां पर कि लोक अदालत कॉम्प्रोमाइज वहां तक का करवा सकता है। द लोक अदालत शैल हैव द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सीपीसी के तहत कोई भी एक लोक अदालत है उसका जो पावर है वो एक सिविल कोर्ट के पावर के इक्विवेलेंट होगा। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। देखिए जो भी पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं उन पॉइंट से आपको 3 या 4 पॉइंट उठा करके आपको ऑप्शन फ्रेम कर दिया जाएगा और उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा एक लोक अदालत के कॉन्टेक्स्ट में सही है या कौन सा गलत है। हो सकता है लिमिट के बारे में पूछ ले, हो सकता है आपसे क्रिमिनल केसेस के बारे में पूछ ले कि नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस को भी इसमें कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, तो वहां पर वो गलत ऑप्शन होगा क्योंकि सिर्फ कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस को ही कॉम्प्रोमाइज और सेटल किया जा सकता है लोक अदालत के तहत। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि ऐसे कुछ केसेस हैं जिनको लोक अदालत के तहत डील किया जा सकता है, कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। जैसे कि बैंक्स अनपेड लोन केसेस, बैंक्स में एनपीए का रेट काफी बढ़ते जा रहा है, तो वैसे केसेस को भी हम लोग वहां पर सेटल करवा सकते हैं। सेटलमेंट होता है वन टाइम सेटलमेंट जिसको बोल सकते हैं आप, और आपको पता है कि लोक अदालत लगता है बैंक से, आप सभी काफी आप में से कुछ होंगे ऐसे ऑफिसर्स जो कि जाते होंगे लोक अदालत में, तो उनको ये अच्छे से पॉइंट पता है। फैमिली कोर्ट केसेस, कंपाउंडेबल सिविल रेवेन्यू एंड क्रिमिनल केसेस, वैसे सिविल रेवेन्यू और क्रिमिनल केसेस जो कि कंपाउंडेबल नेचर के हैं उसको सेटल किया जा सकता है। म्यूटेशन ऑफ लैंड केसेस, जो भी जमीन आप खरीदते हैं उसका म्यूटेशन होता है, दाखिल खारिज जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसका भी अगर कोई केसेस है तो उसको भी हम लोग लोक अदालत के तहत कंसिडर कर सकते हैं। पार्टीशन क्लेम्स, फैमिली के बीच में मान लीजिए आपके जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पुस्तैनी जमीन जिसको बोलते हैं, पुस्तैनी जमीन है, पुस्तैनी आपके पास घर है, उसका भी अगर पार्टीशन का क्लेम है वो भी सेटल किया जा सकता है लोक अदालत के तहत। लैंड एक्विजिशन डिस्प्यूट्स, लैंड से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है, मैट्रिमोनियल एंड फैमिली डिस्प्यूट्स, अगर आपका कोई मैट्रिमोनियल या फैमिली डिस्प्यूट है उसको भी आप लोक अदालत में कंसिडर करवा सकते हैं, सेटल करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ लोक अदालत। सबसे पहला तो है इकोनॉमिकल, क्यों? क्योंकि देखिए किसी भी पार्टी को इसमें कोई फी नहीं पे करना पड़ता है, आपको कोई भी एडवोकेट का जो चार्ज होता है एडवोकेट को भी रखने का जरूरत नहीं, इसमें आप आराम से बैठ करके दो पार्टी भी बैठ करके समझौता कर लेता है इसमें। दूसरा आता है हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द बैकलॉग ऑफ केसेस। आज इंडिया में नंबर ऑफ केसेस काफी बढ़ते जा रहे हैं और आपने सुना होगा तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख, वो ऐसे ही नहीं बना है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि केसेस ज्यादा हैं और उसको सेटल करने के लिए नंबर ऑफ जजेस कम है, तो लोक अदालत के आने से ये भी हुआ कि जो आपके बैकलॉग ऑफ केसेस हैं वो काफ़ी घट रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत कम समय में उसमें एक डिसीजन ले लिया जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है और वो पार्टिकुलर केस खत्म हो जाता है। तो ये लोक अदालत का दो बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है जिसको आपको जानना चाहिए। चलिए लोक अदालत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा को, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर किया गया। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो आप व्हाट्सएप करके 6204547475 पर भी पूछ सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।